गलती, सिर्फ एक गलती, और आपकी 6 घंटे की मेहनत बेकार, और आप डिप्रेशन में, क्योंकि आप इस गलती को वापस नहीं कर सकते। तो व्हाट्सअप दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरी माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी माइनक्राफ्ट जर्नी में अभी तक की सबसे बड़ी गलती क्या करी है? क्या आपने नेदर में सोने की कोशिश की है, या फिर आप हार्डकोर मोड में वाटर बकेट ट्रिक करते हुए मर गए हो और आपका वर्ल्ड डिलीट हो गया? वेल, मेरी गलती इन दोनों से अलग है। आपने आसाम का नाम सुना है, और आसाम में टी फार्मिंग का? अब आप सोचेंगे आसाम माइनक्राफ्ट आसाम, टी फार्मिंग माइनक्राफ्ट टी फार्मिंग, कनेक्शन क्या है इन सब का? वेल, मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले माइनक्राफ्ट की मार्केट में दूसरे लोग क्या गलती कर रहे हैं वो तो देख लूँ। मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं सिर्फ अकेले गलती कर रहा हूँ। तो गलती जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं वेट कर सकता हूँ आप लोगों के कमेंट का, या तो फिर मैं खुद यूट्यूब में जा कर के सर्च कर सकता हूँ बिगेस्ट माइनक्राफ्ट मिस्टेक। हैं, ये सब गलती है? चेस्ट की जगह बैरल यूज करना चाहिए, और फर्नेस में कोल का फ्यूल यूज नहीं करना चाहिए, और तो और फर्नेस की जगह कैंप फायर यूज करना चाहिए। फिर तो मैंने गलती का अल्ट्रा प्रो मैक्स कर दिया यार। हाँ, तो हुआ क्या कि माइनक्राफ्ट में मेरे को फार्म बनाना था, और मैं बहुत कंफ्यूज था कि अपना फार्म कैसा बनाऊं कि बाकी लोगों से अलग हो। अभी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपना विलेज बना रखा है, जो कि केरला के किसी सीनिक प्लेस जैसा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर से देखना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। फिर मेरे को अचानक से एक आइडिया आया कि क्यों ना अपना फार्म आसाम की टी फार्मिंग जैसा बनाऊं। तो मैंने फटाफट से काम शुरू कर दिया। पहले फाउंडेशन रेडी किया, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। फिर मैंने डेकोरेशन के लिए ग्रास ब्लॉक में पाथ बनाया और थोड़े बहुत स्टोन्स ऐड किए। उसके बाद कहीं कहीं पर कॉन्क्रीट्स, फिर मैंने थोड़े बहुत फ्लावर्स ऐड किए बीच बीच में, और उसके बाद मैंने कंपोस्टर ऐड करना शुरू किया ताकि मैं विलेजर्स को फार्मिंग में रख पाऊँ। और सबसे लास्ट में मैंने सीड्स प्लांट करना शुरू कर दिया। और एंड रिजल्ट कुछ ऐसा था। लेकिन इन सब के बाद मैंने जो बेवकूफी की, जिसके वजह से मैंने अपने इस फार्म को खो दिया, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं ये फार्म खो दूंगा और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये वाले एरिया में वो फार्म जो मैंने आपको अभी दिखाया वो बना हुआ है, और उसके बगल में फिर कुछ भी नहीं, तो बहुत खाली खाली सा लग रहा था। पहले मेरा प्लान तो यही था कि एक ही फार्म बनाऊंगा और उसी में फिर अलग अलग क्रॉप सेट कर दूंगा। बट जब मैं देखा कि कुछ ज़्यादा ही खाली लग रहा है, एक तरफ पहाड़ फिर अचानक से इस साइड में पूरा खाली, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। तो मैंने सोचा क्यों ना अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग फार्म बना दिया जाए। तो मेरा प्लान था कि 3 से 4 फार्म सेम तरीके से बना दूँ और फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दूँ। अभी ये एक फार्म बनाने में मैं ऑलरेडी बहुत थक गया था, तो मेरे मन में थोड़ी बहुत काम चोरी की फीलिंग आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टेरेन को क्लोन कर दिया जाए और फिर थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिया जाए उसमें। फिर मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, मुझे ईजिली एक वेबसाइट में टेरेन क्लोन करने का इंस्ट्रक्शंस मिल गया, और मैंने आग बंद करके उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया। और अभी आप उस क्लिप को देखो। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक कमांड ब्लॉक रखना था, उसके बाद मुझे एक ग्लास ब्लॉक लेकर उस जगह पर रखना था जहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा टेरेन क्लोन हो। तो मैं चाहता था कि ये फेंस भी इंक्लूडेड रहे, तो मैंने ठीक फेंस के ब्लॉक में सीधे सीधे ला करके इस जगह पर अपना ग्लास ब्लॉक रख दिया।
उसके बाद मुझे क्लोन कमांड से एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और इंटर प्रेस कर दिया। आप देख लो ये इनकम्प्लीट कमांड है, मुझे वीडियो में भी ऐसा ही दिखाया था, मैंने सेम उसी तरीके से कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। उसके बाद मुझे ये सेम चीज़ रिपीट करनी थी अगले साइड में, जहाँ तक मुझे ये टेरेन को क्लोन करना था, तो सेम मैंने वैसा ही किया। ये मैं अगली साइड में आया और वहाँ पे ग्लास लगाया और फिर से क्लोन कमांड यूज़ करके इस वाले ग्लास ब्लॉक की एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिया। उसके बाद भाई मैंने सीधे कमांड ब्लॉक्स में आकर ये कमांड जो था वेबसाइट पर उसे कॉपी पेस्ट किया और एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू को मैंने कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दिया, जो दो कोऑर्डिनेट्स मैंने अभी लिए थे। उसके बाद मैंने डन पर क्लिक कर दिया और फिर मुझे एक रेडस्टोन और एक फेदर चाहिए था। रेडस्टोन को मुझे कमांड ब्लॉक के आगे रखना था, लेकिन उससे पहले ये जो इम्पल्स वाले ऑप्शन देख रहे हो इसे मुझे रिपीट में करना था, तो मैंने वैसा ही किया और फिर मैंने इस कमांड ब्लॉक के आगे रेडस्टोन रख दिया। उसके बाद मुझे फेदर लेकर के उस जगह पर जाना था जहाँ पर मुझे ये टेरेन का एग्जैक्ट कॉपी चाहिए था, तो मैंने वैसा ही किया और जा कर के मैंने पहले तो लेफ़्ट क्लिक किया तो उससे तो डर्ट ब्लॉक टूट गया, कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने राइट क्लिक करके भी देखा तो उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने सारे स्टेप्स फॉलो तो किए थे बट फिर भी ये काम नहीं कर रहा था मेरे लिए। फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया बट फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा था। फिर मैंने गलती से नीचे देखा और अचानक से ये क्लोन हो गया, मतलब क्लोन का मैसेज आया, कहाँ क्लोन हुआ वो तो पता नहीं। तो मैंने ढूंढा ये क्लोन आखिर हुआ कहाँ है, बट मुझे मिला नहीं। तो मैंने दोबारा से फेदर लिया और फिर से नीचे देखा तो फिर से ये क्लोन होने का मैसेज आ गया था। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि अगर आप अपने आसपास के एक दो ब्लॉक के डिस्टेंस में देखेंगे तो क्लोन हो रहा है, बट क्लोन कहाँ हो रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और इतनी देर में ये चार बार क्लोन हो चुका था। फिर मैंने एक बार और नीचे देखा और उतने में वो चार पांच बार और क्लोन हो गया, क्योंकि लैग इतना करने लगा था तो मुझे पता ही नहीं चला कब ये चार पांच बार क्लोन हो गया। फिर भाई पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक बार स्पेक्टेट मोड में जा कर के देखता हूँ ये कहाँ क्लोन हो रहा है, और देखा तो पता चला कि ये तो ज़मीन के नीचे क्लोन हो रहा है। अगेन ये रेंडर नहीं कर पा रहा था इतने सारे ब्लॉक्स को, इसीलिए ये फुटेज इतना लैगी है। फिर मेरा ध्यान गया इन ब्लॉक्स के ऊपर और फिर इन ब्लॉक्स के ऊपर, फिर मुझे पता चला कि ये तो घर के अंदर तक भी जा चुके हैं। फिर जो रिवर था हमारे घर के पास वो अब नहीं था, क्योंकि वो रिप्लेस हो गया था इन फार्म लैंड से। फिर मैंने बहुत देर तक इंटरनेट पे सर्च किया कि क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ, कोई अंडू करने का ऑप्शन है या नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था। और अगर कहीं छुप करके होगा भी तो मुझे पता नहीं, और उस टाइम पे मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए था। मूड मेरा ऑलरेडी बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अच्छे से पूरे मन से करते हो ना तो हल्की सी भी गलती वो फिर पूरा मूड बिगाड़ देता है। अभी मैं चाहता तो मैं ऊपर ऊपर से ब्लॉक्स रिप्लेस कर देता, बट यार वही है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मेरा ऐसा ही है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक सॉल्यूशन मिला इसका, कि अगर मेरे पास बैकअप है तो हम इस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं पुराने बैकअप से, और फॉर्चुनेटली मेरे पास ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएटेड था, तो मैंने फिर उसे यूज़ करके इसे रिस्टोर कर लिया। सब कुछ है एज इट इज़, बस अब वो फार्म नहीं है। बाकी यार मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मे बी मैंने कुछ चीज़ मिस कर दिया होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास वो फार्म अब नहीं है। तो गाइज़ यही थी मेरी माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी गलती, काम आसान बनाने के चक्कर में पूरा ही बिगाड़ दिया। बट ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।